हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमरजीत जयकर, बिहार समस्तीपुर से। तो अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ, हमारी ये राहुल भैया है, और भैया क्या नाम? संजय। संजय, देखिए, हाँ, मैं 2 दिन से रहा हूँ लेकिन इनका नाम पता नहीं है। कोई बात नहीं, ये स्वैग है। इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, इंट्रोड्यूस ना। हाँ, तो चलिए भैया बताइए अपने बारे में। पहले मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं भी बिहार से हूँ और अमरजीत को मैं काफ़ी सालों से जान रहा हूँ। और मैं मुंबई में एक्टिंग करता हूँ, टीवी सीरियल सिनेमा में काम करता हूँ। तो चलिए, आप एक्टिंग करते, हम गाना गाते, तुम तो गाना गा के सबको सुनाते हैं। हाँ। लेकिन अब आप कुछ एक्टिंग करके दिखाइए जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस तो मेरा, देखो, जैसे कि जो सिनेमा में तो स्क्रिप्ट दिया जाता है उसके अनुसार से काम करते हैं, टीवी सीरियल में जो दिया जाता है। हाँ, वैसे थोड़ा कॉमेडी करने का भी शौक है मुझे, मिमिक्री वगैरह करने का। चलिए, तो वो कर लेता हूँ, मतलब एज ए दर्शक के लिए। हाँ, कि जैसे ये प्रिंसिपल साहब है हमारे ऑफिस में, बेइज्जती करेंगे आप, करो बिल्कुल। ये टाइम आने का तुम हलवा फील हो जाते हो, पापा, अपने पापा को फोन कीजिए, आप बुलाइए उन्हें। सॉरी सर, मैं कुछ सीखने गया था। सर, आपने कहा कि अपने पापा से सीख क्या है? अपने पापा से सीख क्या है सर? क्या सीख क्या है? यही कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बड़े होते हैं। छोटा कौन होता है? मुझे नहीं पता। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ये कौन बोले थे? सुशांत से, ऋतिक रोशन से। ऋतिक रोशन सर का। तो फिलहाल नीतू चंद्रा दीदी के पास जा रहे हैं। मैसेज आया था कि तुम कल भी नहीं आए हो और आज भी नहीं, तो सोचा कि नहीं नहीं अभी फ्री है तो जाके मिल लेते। तो चलिए आज नीतू दीदी से मिलते हैं। तो अभी हम लोग चल दिए नाव की तरफ, इधर से जाती है रास्ता, जो कि नाव पे भी हम लोग बैठ के जाएंगे। ये देखिए प्यारी सी बिल्ली, एक बिल्ली थी, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बाप रे बाप, इसमें कब जाएंगे हम पता ही नहीं चल रहा। जिधर देखो उधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, तो मुझे भी जाने का मन कर रहा है। अभी आया हूँ नीतू दीदी से मिलने, तो देखता हूँ नीतू दीदी कितने फ्लोर पे रहती है। देखो भाई, हमसे मिलने कौन आया है? बिहार का बेटा, एकदम वायरल है भैया अपना अमरजीत। अमरजीत कैसा लग रहा है बॉम्बे आकर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे घर पे बुलाया। और मैं सच्चाई आपको बताऊं कि मुझे नहीं लग रहा था कि, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़े स्टार से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ तो अपने भाई की तरह, इन्होंने मुझे प्यार दिया, बाल को ऐसे से करके किया, ठीक है, तो खराब कर दिया इसका बाल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि दीदी अपने बिहार का पूरे विश्व में झंडा फहराए, बस यही बोलूंगा। और हम भी ये चाहते हैं कि तुम भी बिहार का इतना नाम रोशन करो, कर ही रहे हो। सोनू ने तुम्हें गाना गवाया, थैंक यू सोनू फॉर दैट, रियली अप्रिशिएटेड। और तुम बहुत लोगों से मिलो और इसके गानों की लाइन लग चुकी है, तो जितने भी बिहार के लोग हैं, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल, ये अपना अमरजीत है। और यू नो, इसका टैलेंट इतना अच्छा है, आई एम श्योर बहुत अच्छा करोगे तुम, और अच्छा करते रहो। और हम लोग सब, पूरे हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे चारों तरफ हैं, तुम्हारे साथ हैं, बस अपने दिल के साथ गाते रहना। जैसे तुम गा के सबका दिल इतना जीत लियो, हम चाहते हैं कि ये और अच्छा करते रहे, है ना। नीतू दीदी से मिल लिए, नीतू दीदी के साथ तो वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ, दीदी ने बनाया है तो मैं उनमें से लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब बहुत मजा आया, ये लिफ्ट है, शायद ये मेरा घर रहता तो और मजा आता। बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत अच्छा। आप लोग वीडियो जरूर देखिए। आपको कैसा लगा भैया? बहुत मस्त भैया, तो फिल्टर लगा के फोटो ले रहे थे एकदम काला आदमी <उसे। laughs> बहुत मजा आया, मतलब आईफोन में भी फिल्टर लगा के वो लेना, मतलब समझ रहे हैं, बहुत मजा आया, बहुत मजा। नहीं, बात है कि नीतू जी इतनी गोरी थी कि हम वहाँ पे ज्यादा काले लग रहे हैं। बहुत मजा आया ना। इसी बिल्डिंग में मैं था, मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग, क्या बताऊँ दीदी, इसी बिल्डिंग में रहती है। कौन सा बिल्डिंग का नाम है? देखिए कितना बड़ा है, बद्रीनाथ टावर्स। इसी बिल्डिंग में दीदी रहती है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा, मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा से, मतलब बात की उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से, मतलब बिहार भी बहुत अच्छे से।